सेक्रेटरियट के अंदर घुसने की उन्हें हिम्मत जताई तब उन्हें गोली लगी और उसी वक्त उनका शहादत हुआ। और उनका जो छोटा एक बेटा है 4 साल का है, उनसे उन्हें प्यार से पापा से पूछते थे, पापा उनसे पूछते थे कि बेटा आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। छोटा सा बेटा बताता कि मैं भी पुलिस पर्सन बनना, पुलिस पर्सन बनना। लेकिन जब वो गरी आई उनको ही पुलिस पर्सनल ने या कहे मोजी ने सूटकेट कर दिया। तब मैंने जब इनका जब मेमोरी बन रहा था, मैंने पूछा बेटा से, मेरे छोटा भाई से पूछा कि पापा क्या हो, तो उन्होंने कहा नम आंखों से ये कहा कि निशी में पापा जी पुलिस से मिंग पा, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, उनके कहना था कि पापा को पुलिस मार। इसलिए आज खास मौके पर मैंने एसपी सर तुम्हें मोसार को मैंने आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। ये जो आईपीएस होते हैं, आईएएस के ऑफिसर्स होते हैं, क्या उनके पास बेटा नहीं है क्या, बेटी नहीं है क्या, उसके भाई नहीं है क्या, बहन नहीं है क्या? कोई भी प्रोटेस्ट करो, कोई भी भंडकुल करो, उसको अंधाधुन गोली चलाने के लिए उसको देश का अधिकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको अधिकार दिया है क्या? ये हमें थोड़ा आप बात में समझा दीजिएगा। और सेकेंडली, जहाँ तक शरीरबंदी का सवाल है, मार्टियर शरीरबंदी का, उनके पर्सनल लाइफ में कोई नहीं था, माँ बाप माँ नहीं था, बाप नहीं था, दो बहनें थी और उसका एक देवी जैसा पति, देवी जैसा बीवी यह साथ में मौजूद है। उनका कहना था जब यहाँ से जुलूस निकल रहा था, प्रोटेस्ट निकल रहा था, वो रहता है मुक्तू में, टूर्नामेंट सर डिप्टी सीएम का घर को जब जलाने जा रहा था आक्रोश में, जनता आक्रोश में, तब उनको याद आया, बीवी से कहा कि हमें भी चुप नहीं रहना चाहिए, लड़ाई में साथ देना चाहिए। नो पीआरसी का नारा लगाते हुए वो भी उस जुलूस में, उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तब उनको गली गुली लगी और उनको भी बाली बेटी में चलना पड़ा। और जहां तक विकी रुजा का सवाल है, डीएन कॉलेज में वो हर एक क्लास में टॉप में रहा, लेक्चरर्स जितने जो लोग थे उनकी तारीफ करते कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़के हैं, वो आगे जाकर के कुछ बनेगा, देश को संभालेगा, अरुणाचल को संभालेगा, ये कहते थे। लेकिन उनका माँ का कहना है 7 भाइयों में से सबसे लाडला अगर था तो मेरे मार्कर्स बिकी हो जाते। वो हर वक्त जब भी शाम को आते हैं तो वो यही पुकार यही गूंज लेके आते थे, याई वो हाई कुनेला। अब उसको चोर कर चला गया और जब भी घर से निकलते थे याई वो अंगी को माँ का लादना को प्यार था। तब उसी समय माँ ने बोला कि बेटा आप नहीं निकालने से, कंडीशन सीरियस है, सिचुएशन बहुत खराब है, आपको गोली भी लग सकता है। लेकिन उनमें उनका मन में ये भावना था, सेंटीमेंट ले करके निकला कि देश के लिए खून भी देना पड़े खून भी दे दूंगा, लेकिन पीआरसी नहीं देने दूंगा, ये मन में भावना ले करके अपना घर से निकला। उसी समय उसको गोली लगी और उनको शहादत होना पड़ा। यही था
उनकी अधूरा जिंदगी की कहानी और सभी भावुक पल को आप लोग भी यहाँ पे ले रहे हैं। और उसी के बाद मैं आपको आज हम लोग परिवार परिवारजनों फैमिली मेंबर घर सीना दान करके हम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं का वजह भी आप लोगों को बता देता हूँ। जिंदगी जीता है, जीवन आता है जाता है, कोई 100 साल के लिए जीता है, कोई 5 साल के लिए जीता है, कोई 20 साल के लिए जीता है, कोई 30 साल के लिए जीता है। जिया तो क्या हुआ, किसी ने बहुत सारे रकम कमाए जीवन के अंतर्गत, किसी ने कुछ भी नहीं कमाया जीवन के अंतर्गत, लेकिन जीना उसी को कहते हैं। हिम्मत से जिए, शान से जिए, जियो तो मर्द बन करके जिए और अपने देश के लिए काम आए। उस एग्जाम्पल को, उस इंस्पिरेशन को इन लोगों ने शहीद करके स्टेट के लिए दिखाया है। ये खुशी का फल है, बहुत गर्वित महसूस होने का फल है सबको, सारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूं जो फेसबुक में रातों रात लिखते रहते हैं, हमने सोचा था आज तो यहाँ पे कम से कम 3-4,000 तो लगभग इस आजाद के समय, मार्टर्स डे के समय आएंगे, तो मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, फेसबुक में लिखते रहना, रात भर नहीं सो करके जाके लिखते रहना, ये भी आपका काम है। अगर आप सच में देश को प्रेम करता है, देश के लिए जो कुर्बानी को जो आप प्यार करते हैं, आज आना चाहिए। आपको दिन भर के लिए सेलिब्रेशन के लिए मार्टर्स डे के लिए रखा है, आप कभी भी आ करके उनको नमन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, यही है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं और एक चीज आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। जैसे मीडिया लोगों ने हमसे पूछा कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपको कितने पैसे दिए, कितने रकम मदद किए, विक्टिम्स लोगों का क्या हुआ, मैंने जवाब दिया, ऐसे मैंने जवाब दिया, सारे विक्टिम्स मिल करके, चाहे वो इंजर्ड हो या चाहे वो मार्टर्स हो, मिल करके हम लोगों ने एक रेजुलेशन पास किया कि ये जो नजारा देख रहा है बीजेपी ऑफिस के लिए जो बनना था, और बीजेपी लोगों से भी मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि आपका प्रिंसिपल भी, आपका सिद्धांत भी, प्रति का सिद्धांत ये बताता है कि देश पहले प्रति भारत। तो इसलिए मैंने उन लोगों से कहा, जितने जो आपने अलॉटमेंट लिए हैं ऑफिस के लिए, हमने तो भाई खोया है, हमने तो पति खोया है, हमने तो बेटा खोया है, घर का चिराग खोया है, देश के खातिर, आप क्या देश के खातिर ये ऑफिस अलॉटमेंट को विक्टिम्स मार्टिर ग्रंथ का नाम नहीं कर सकता है क्या? तो लोग भी मजबूर हुए, यस भाई जैसे आप तो बोल रहे हैं सही है। इसलिए हम लोगों को अलॉट किया कि आप मार्केट ग्राउंड में स्टेचू बना सकते हैं, स्टेचू निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि यही पे जो बीजेपी ऑफिस का जो स्ट्रक्चर बना है उसी के ऊपर ही 3 मार्केट का विशाल स्टेचू होगा। इसलिए मेरे